हमारे साथ अपनी पार्टी के नेता जफर मन्हास जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गुलिस्तान न्यूज पर। आज गृहमंत्री अमित शाह के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। कल 24 सदस्य पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और आज गृहमंत्री अमित शाह से आप लोग मिलने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे आपके अहम रहने वाले हैं आज इस मुलाकात के दौरान? जी, मैं आपका आपकी बात सुन नहीं सकता, रिपीट करेंगे प्लीज। बिल्कुल, कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद आज आप गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। 24 सदस्य जाने वाले हैं जो आज गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे, आप भी उन्हीं में से एक हैं। क्या कुछ मुद्दे आज आपके अहम रहने वाले हैं जब आपकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से होगी? जी, मेरे ख्याल में जो कल मुद्दे वहाँ हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ साहब ने वहाँ उठाए हैं वही बेशतर तो वही मुद्दे होंगे और उसका जो फीडबैक है वो भी हम करेंगे उनके साथ। बाकी चीजें जो रिलेटेड हैं बहुत सारी, मतलब तो मेरे ख्याल में बातचीत तो उसी दायरे में होगी, चाहे वो डेमोग्राफी का मामला हो, चाहे वो स्टेटहुड का मामला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक का मामला हो, चाहे वो डोमोसाइल वो जो प्रोटेक्शन की बात, हम जॉब प्रोटेक्शन की, लैंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो होगा। इसी तरह डेवलपमेंट के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो यही चीजें वहां रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल से जब हमने एक बात, तो मुझे लगता है कल की मीटिंग में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था वो ये था। तो जनरली ऐसा रहा है कि एक परसेप्शन है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो खासकर घाटी में, कि भाई ये जो डेमोग्राफी है ये चेंज की जाएगी 370 जाने के बाद, 35 जाने के बाद। तो कल प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कहा, बल्कि मैं उन्हीं के अल्फाज दोहराऊंगा, उन्होंने कहा ना कोई ऐसा सोचता है, ना किसी को ऐसा सोचना चाहिए, ना ऐसा होगा, ना ऐसा कोई करने के लिए सोच रहा है। कश्मीर को कश्मीरियों ने ही चलाना है, तो ये तभी चल पाएगा जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। तो मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री की तरफ से इतने बड़े, मतलब ये जो ये यकीन दहानी है, तो ये मेरे ख्याल में एक काफी, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव एश्योरेंस। बिल्कुल, कश्मीर को कश्मीर की तरह ही चलाना है। लेकिन जब आपकी कल मुलाकात हुई है, क्या अचीवमेंट्स कल आपकी रही है उनसे मुलाकात के बाद अपनी पार्टी की? क्या रही है आपकी जब कल मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो क्या आपने कल कुछ अचीव किया है उनसे मुलाकात करने के बाद? मैं यही कह रहा हूँ, अब इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि डेमोग्राफी को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट की। तो ये तो पहली अचीवमेंट ये है। दूसरी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, किसी भी सूरत में हम नहीं चाहते हैं कि भाई, और ये तो ये भी दूसरी अचीवमेंट है। तीसरा, उन्होंने इसका इसके लिए मतलब ये कहा कि हम जल्दी ही करने जा रहे हैं, ये जो जॉब प्रोटेक्शन है या लैंड प्रोटेक्शन है उस बारे में भी हम एक ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अचीवमेंट के ही खाते में, अब एक ही निशस्त में या एक ही मीटिंग में सारा कुछ तो हो नहीं जा सकता, लेकिन देखना ये होता है कि इस वातावरण में बातचीत हुई, 2-2.5 घंटे मीटिंग रही, तो वहाँ जो हम सब मतलब वो चीजें जो देखने की थी कि जिस तरह उन्होंने सुना बड़े पेशेंस के साथ, उसके बाद जो फिर नाश्ता था या चाय, जो तो हम टी कहेंगे, नाश्ता तो नहीं था, तो उसका जिस तरह उन्होंने हर आदमी से अलग अलग से बात की, ये खाइए वो खाइए, तो उसका भी पता चलता था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई हम आगे मतलब बात करें और मामला जो है ठीक हो, ये खाइए वो खाइए। लेकिन आप एक बात बताइए जरा, कल जब गुलाम नबी आजाद की मुलाकात फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई, उनकी तरफ से कहा क्या एजेंसी वाली पार्टी कुछ नहीं करेंगी? आप जानते ही हैं पीडीपी के लिए भी। जी, अब सवाल ये है कि वो इतने सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी से मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं जवाब नहीं देना चाहता था, अब आपने सवाल पूछ ही दिया है। सवाल ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि कौन किसका आदमी है, कौन किसका आदमी नहीं है, तो इस बहस में अगर हम जाएंगे तो फिर हमें कांग्रेस का सारा कुछ खंगालना पड़ेगा, तो फिर मुझे बीएन मलिक तक जाना पड़ेगा 53 में। तो जो गुलाम नबी आजाद सर से पूछिए कि वो कौन हैंडल कर रहा था 53 के ऑपरेशन को, वो बीएन मलिक साहब कौन से थे, तो मैं फिर बड़ी लंबी बात में चला जाऊंगा। तो अब मैं समझता हूँ इससे ये गड़े मुर्दे उखड़ने से कुछ निकलेगा नहीं, कौन किसका एजेंट है, कौन किसका नहीं, माने और मतलब ये है कि मैसेज कौन क्या है, कौन कहाँ स्टैंड करेगा। तो अगर सच्ची बात है कश्मीर का बेड़ा गर्क अगर किया, कश्मीर को तबाह बर्बाद अगर किसी ने किया, तो वो आजाद साहब की पार्टी ने ही किया है। ये सारा ये जो तबाही बर्बादी की, तो ये किसने की है, ये तो जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उन्होंने तो कभी वहाँ डेमोक्रेसी को पनपने ही नहीं दिया, वहाँ
वहाँ वो खालिक मेड लोगों को लाकर ऊपर से थोपते थे, वो लोग कौन थे? वो तो एजेंसियों के ही लोग थे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने बर्बाद किया, आपसे उम्मीद है कि आप जरूर विकास की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने वाली है। देखिए ए एस दुल्ला की तरफ से जो फारूक अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर एग्रीमेंट की बात कही गई, लेकिन हम खुद भी देख रहे हैं कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला की रिहाई हुई उसके बाद उन्होंने अभी तक भी धारा 370 का जिक्र नहीं किया है। आप कैसे देखते हैं, क्या कारण रहा है इसके पीछे? क्या किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है वाकई? देखिए अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जो करण ठाकुर के साथ हुआ है। दुल्लत साहब का मसला ये है कि दुल्लत साहब फारूक साहब के दोस्त हैं, तो वो हर एनालिसिस में भी उस दोस्ती को निभाने की कोशिश करते हैं, मैं इतनी ही बात कहूंगा। बाकी हर शख्स को उनको अपनी राय रखने का हक है, दूसरे को अपनी राय रखने का हक है। फारूक साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे उसको देखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला है, तो फारूक साहब को अच्छा लगेगा जो उनको मुनासिब लगेगा तो वो करेंगे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आरोप आप पर भी लगते हुए दिख रहे हैं? क्या कौन सा आरोप? एजेंसी वाली पार्टी जो करार उनकी तरफ से दिया गया मैंने, है मैंने, मैंने मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर आप अभी भी मुतमईन नहीं हुई है तो पहली बात है कि कोई किसी का पहली बात है कश्मीर में कांग्रेस ने छोड़ा क्या है वहाँ की जो कोई बेचेगा आप दिल्ली जाके किसी को भी वहाँ रखा क्या है उन्होंने? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल आज अल्ताफ बुखारी की मुलाकात होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह के साथ और ऐसे में 24 सदस्य आज फिर से मौजूद रहेंगे। इसके पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कल ही, वही 24 सदस्य जो कल मौजूद थे आज फिर से वही 24 सदस्य रहने वाले हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें जब आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी तो बहुत अहम ये मुलाकात है। हालांकि जब कल मुलाकात हुई तो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि वो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद बुखारी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो अपनी जुबान के पक्के हैं। ये बात अल्ताफ बुखारी की तरफ से कही गई जब मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, उसके बाद अल्ताफ बुखारी की तरफ से ये कहा गया अपनी जुबान के पक्के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 सदस्य कल पहुंचे थे और जिनका प्रतिनिधित्व खुद अल्ताफ बुखारी कर रहे थे। एजेंडा बहुत साफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करना, उन्हें इस मुसीबत की घड़ी में जब उनकी आवाज़ को ही नहीं सुन रहा था उनकी मुश्किलात की आर्टिकुलेशन करना और उनका समाधान ढूंढना। रियासत के लोग जो 5 अगस्त के बाद इस वलवले का शिकार हो गए हैं कि उनकी ज़मीनों का तहफ़ कैसे किया जाए, उनकी नौकरियों का तहफ़ कैसे किया जाए, उनकी एडमिशन्स प्रोफेशनल कॉलेजेस में कैसे तहफ़ किया जाए, और रियासत जो हमारी अपनी रियासत ख़त्म हो गई थी उसको कैसे वापस लाया जाए, उस सब के लिए हम लोग सामने आए हैं। जो जम्मू और कश्मीर इस वक्त सांझा मसला है, जम्मू के डिवीज़न और कश्मीर के डिवीज़न का, दोनों खित्ते जो हमारी रियासत के हैं, 70 साल में पहली बार ये जमात इसलिए आई है कि हम दोनों हिस्सों के सांझे मसलों को उठाएँ और हल करें ताकि हम एक तर्जुमान आवाज़ पूरी रियासत की बने। मीटिंग बहुत अच्छी रही, प्राइम मिनिस्टर एज यूजुअल वाज वेरी ग्रेशियस। हमारे तो मसले ही मसले थे शुरुआत में ही, हमें लग रहा। अल्ताफ बुखारी को आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए।